चंद्र भगवान की जय। खाई सिंधु कबीर यति चारिहु दिसि फिरिया, कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनि न जाई बना। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई जातु दान पति हो। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सो। तो भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में भी जो राक्षसों का राजा अर्थात रावण बनता है, वही सूर प्रतापी अपनी सेना के सहित इस पुरी में रहा करता है। रहे तहां निसिचर भट भारे, ते सब सुर न समर संघारे। अब तह रह ही शक्र के प्रेरे, रचक कोटि जक्षपति के। तो उस नगरी में पहले राक्षस रहा करते थे। देवताओं ने उन राक्षसों को वहां से युद्ध में मार के भगा दिया। अब इंद्र की प्रेरणा से कुबेर देवता के जो 1 करोड़ रक्षक हैं, जिनको हम यक्ष कहते हैं, वह लोग इस नगरी में रहने लगे। रावण को कहीं से ऐसी खबर मिली तो रावण ने अपनी सेना लेकर के वहां पर धावा बोल दिया। 10 मुख कत हो खबरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घेर सी जाई। देखी बिकट बट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। अब रावण को ऐसा समाचार मिला तो उसने सेना सजा करके उस किले को चारों ओर से घेर लिया। उस किले में रहने वाले बड़े विकट वीर योद्धा, उन सबको जब पता चला कि रावण की सेना ने घेर लिया है, तो वे अपने अपने प्राण को बचाकर वहां से भाग निकले। फिर सब नगर दशानन देखा, गये हु सोच सुख भय सेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनि तहां रावण रजदानी। जेहि जस जोग बाटि गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति ले आवा। अब रावण ने घूम फिर करके उस सारे नगर को देखा। उसको देख करके उसकी स्थान संबंधी जो चिंता थी वह मिट गई और बड़ा सुखी हुआ। तो चलो, मुझे ऐसे जगह मिल गई जिसको मैं अपनी राजधानी बना सकता हूँ। उस स्वाभाविक रूप से सुंदर पुरी को देख करके और दूसरे लोगों के लिए अगम्य जानकर, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, है ना, तो लोगों से अगम्य जान करके उसने कहा कि मैं इसको अपनी राजधानी बना देता हूँ। और राजधानी बनाने के बाद अपने जो सैनिक थे उनको योग्यता के अनुसार वहाँ के घरों को बांट दिया, सभी राक्षसों को प्रसन्न किया। अब एक बार उसको मन में आई तो उसने कुबेर पर आक्रमण कर दिया और कुबेर के पास जो पुष्पक विमान था उसको उससे छीन करके जीत करके ले आया। एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान जीत ले आवा, पुष्पक जान को जीत करके ले आई। लेकिन इतने पर भी उनकी जो तृष्णा थी वह समाप्त नहीं हुई। अब एक बार क्या किया कि कौतुक ही कैलास पुनि लीन सी जाय उठाए, पर मनहु तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए।
फिर एक बार रावण ने ऐसे ही खेल खेल में कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठा लिया, मानो अपनी भुजाओं का बल जानना चाहता था कि क्या मैं इस पर्वत को उठा सकता हूं। और जब पर्वत को उठा लिया तो मन में बड़ा प्रसन्न होकर के वहां से चल दिया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, अति बल कुंभ करन अस ब्राता, जेहि कहु नहीं प्रति भट जग जाता, करई पान सोवई सट मासा, जागत होयति हो पुर त्रासा। तो सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक बल बुद्धि और बढ़ाई ये सब उसके नित्य नए ही बढ़ते जाते थे। जैसे प्रत्येक लाभ को प्राप्त करके जो व्यक्ति लाभ को प्राप्त करने वाला है उसके मन में लोभ की मात्रा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से उस रावण के पास नित्य ही संपत्ति का सेना का बुद्धि बल प्रताप इन सब की वृद्धि होती रहती थी। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण के जैसा उसका भाई था, जिसके बराबर का कोई योद्धा इस जगत में पैदा ही नहीं हुआ। अब उसकी क्या खराबी थी कि 6 महीने से एक बार तो उठता और मदिरा पी करके फिर 6 महीने के लिए सो जाया करता था। जब वह जगता था तो तीनों ही लोकों में तहलका मच जाता था। उसका जो प्रभाव था, उसकी जो ताकत थी, वह इतनी ज्यादा थी कि हर व्यक्ति उससे भय खाता था। लेकिन यदि कुंभकर्ण नित्य ही आहार करता तो क्या होता? जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना, बारिद नाद जेठ सुत तासु, बट महु प्रथम लीक जग जासु, जेहि न होय रन सन मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। यदि वह कुंभकर्ण प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता, अर्थात खाली हो जाता। लेकिन वह रण में ऐसा धीर वीर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में कुंभकर्ण की जैसी समता रखने वाले तो थे, लेकिन कुंभकर्ण के जैसा तो मात्र एक कुंभकर्ण ही था। रावण के बड़े पुत्र का नाम था मेघनाद, वह भी बड़ा वीर और बलवान था। इसका जगत के गांव में पहला नंबर आता था। भट महु प्रथम लीक जग जासू, रण में कोई भी व्यक्ति उसके सम्मुख खड़ा नहीं हो सकता था। ये जो स्वर्ग के देवता हैं सभी उसके नाम से भय खाते थे। रावण की जो सेना थी उसमें ऐसे ऐसे वीर थे जिनके नाम बताए गए हैं। देखो क्या नाम बताए हैं, कुमुखय कंपन कुलि सरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। मतलब मेघनाद कुंभकर्ण रावण यह तो सर्वोपरि योद्धाओं में हो गए, इनके बाद में इनके पास में दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही संपूर्ण जगत को जीतने की क्षमता रखते थे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।